म्यूजिक तो फ्रेंड्स, जिस वीडियो को आप लोग मेरे स्टार्टिंग में देखे, इस तरह का वीडियो बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको इसी वाले वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दोस्तों एक एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। आपको दोस्तों इस वाले एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करके आपको इंस्टॉल कर लेना होगा। तो यार चलिए, आप उस वाले एप्लीकेशन को आप यहाँ पे इंस्टॉल कीजिए, उसके बाद मैं आपको यहाँ पर आगे का प्रोसेस बताता हूँ। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, ये रहा वो एप्लीकेशन। आपको दोस्तों इस वाले एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल कर लेना होगा। इंस्टॉल करके दोस्तों जैसे आप यहाँ पर ओपन करेंगे, उसका फर्स्ट इंटरफेस गाइस आपके सामने कुछ इस तरह से आएगा, देख सकते हैं। अब दोस्तों आपको क्या करना होगा, आपको सिंपल सा गाइस आपको यहाँ पर जो बीट का ऑप्शन दिख रहा होगा, देख सकते हैं, आपको दोस्तों इस वाले बीट के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे दोस्तों आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट में वो आपको इस वक्त दिखेगा, देख सकते हैं। आपको दोस्तों सिंपल सा मैक वीडियो का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे दोस्तों आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, कुछ इस तरह से गाइस आपका जो फ़ोन का गैलरी है यहाँ पर ओपन होकर आ जाएगा। और यहाँ पर गाइस आपको क्या करना होगा, आपकी गैलरी में 8 फोटो को सेव करके रख लेनी होगी, जिस फोटो को दोस्तों अभी आपको सिलेक्शन कर लेना होगा। देख सकते हैं जो मेरा फोटो यहाँ पर मैं एक करके सिलेक्शन कर रहा हूँ। तो आप क्या कीजिएगा, कुछ इसी तरह से आप अपना फोटो को यहाँ पर सिलेक्शन कर लीजिएगा कुछ इस तरह से, और आपको यहाँ से ओके कर लेनी होगी। देख सकते हैं जो मेरा फोटो यहाँ पर मैंने सिलेक्शन कर लिया, और जो मेरा वीडियो यहाँ पर कितने जल्दी फ्रेंड्स यहाँ पर तैयार हो चुका है। अब गाइस आपको यहाँ पर नीचे डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा होगा, देख सकते हैं, इस वाला डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करके आपका जो वीडियो है उसको फ्रेंड्स आपके गैलरी में सेव कर लेना होगा। इसके बाद गाइस आप क्या करना होगा, जो आपका काइन मास्टर एप्लीकेशन है उसको बस आपको यहाँ पर ओपन करना होगा। तो यार चलिए, अभी आप अपने काइन मास्टर को ओपन कीजिए। फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरा काइन मास्टर एप्लीकेशन है उसको मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया है। अब दोस्तों आपको जो न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस वाले न्यू प्रोजेक्ट में आपको क्लिक करना होगा। और यहाँ पर गाइस आपको 9:16 एस्पेक्ट रेशियो में सिलेक्शन करके आपका जो काइन मास्टर एप्लीकेशन है उसको आपको यहाँ पर ओपन कर लेना होगा। अब आपको जो राइट साइड में यहाँ पर मीडिया का ऑप्शन दिख रहा होगा, देख सकते हैं, आपको इसी वाले मीडिया पर क्लिक करके अपना गैलरी को ओपन करना होगा। और यहाँ से गाइस आप क्या कीजिएगा, एक व्हाइट कलर के बैकग्राउंड को आप यहाँ पर सिलेक्शन कर लीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरा बैकग्राउंड है उसको मैंने सिलेक्शन कर लिया है। अब आपको इस वाले बैकग्राउंड का ड्यूरेशन का कुछ इस तरह से आपको खींच के आपको बढ़ा लेनी होगी। बढ़ा लेने के बाद आप अपने वीडियो में कुछ इस तरह से फर्स्ट तरफ आप आइएगा। आने के बाद गाइस आपको जो राइट साइड में यहाँ पे लेयर का ऑप्शन दिख रहा होगा, देख सकते हैं, इस वाले लेयर में आपको क्लिक करना होगा। और दोस्तों जो फर्स्ट ऑप्शन है आपका मीडिया का, आपको इसी वाले मीडिया पर क्लिक करके अपना गैलरी को ओपन करना होगा दोस्तों। और यहाँ से गाइस जो वीडियो आपने अभी अभी आप सेव किए हो उस वाले वीडियो को दोस्तों आपको यहाँ पर अभी सिलेक्शन कर लेना होगा। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरा वीडियो है उसको मैंने सेव कर लिया है। अब दोस्तों आपको क्या करना होगा, कुछ इस तरह से गाइस आपको जो ये लाइनिंग वाला जगह है, कुछ इस तरह से गाइस आपको इस जगह पे आपको आना होगा। आने के बाद आप क्या कीजिएगा, इस वाले कोना में पकड़ के कुछ इस तरह से इसको फुल स्क्रीन में आप कर दीजिएगा, देख सकते हैं, जिस तरह से मैं यहाँ पर कर रहा हूँ सेम टू सेम आप भी गाइस कुछ इसी तरह से इसको आप फुल स्क्रीन में कर लीजिएगा। कर लेने के बाद देख सकते हैं जो मेरा बैकग्राउंड है यहाँ पर थोड़ा बड़ा हो गया, तो मैं क्या करता हूँ इसको अपने वीडियो के बराबर में कुछ इस तरह से कर लेता हूँ। कर लेने के बाद आपको अपने वीडियो में कुछ इस तरह से फर्स्ट तरफ आपको आना होगा। आने के बाद दोस्तों आपको इसी वाले वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में चले जाना है, जहाँ पर गाइस मैंने एक लाइटिंग इफेक्ट का देके रखा है। आपको दोस्तों उस वाले लाइटिंग इफेक्ट को डाउनलोड कर लेना होगा। डाउनलोड करके दोस्तों आप क्या कीजिएगा, आप इसी वाले लेयर में आप क्लिक कीजिएगा, मीडिया पे क्लिक करके अपना गैलरी को ओपन कीजिएगा। और यहाँ से गाइस अभी आपको लाइटिंग इफेक्ट वाला वीडियो को सिलेक्शन करना है। फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरा लाइटिंग इफेक्ट वाला वीडियो है उसको मैंने सिलेक्शन कर लिया है। अब आपको इस वाले बॉक्स में क्लिक करके इस वाले ऑप्शन पर सिलेक्शन कर देना होगा। जैसे आप इसमें सिलेक्शन करेंगे आपका जो वीडियो है कुछ इस तरह से फुल स्क्रीन में हो जाएगा। अब दोस्तों आपको जो ब्लैक स्क्रीन दिख रहा है, देख सकते हैं, इसको फ्रेंड्स आपको यहाँ पर रिमूव करना होगा। तो इसको रिमूव करने के लिए आपको जो राइट साइड में ऑप्शन सब दिख रहा होगा, देख सकते हैं, इसी ऑप्शन के लास्ट में आपको ब्लेंडिंग का एक ऑप्शन दिखेगा। आपको दोस्तों इस बार ब्लेंडिंग के ऑप्शन पर क्लिक करके आपको यहाँ पे स्क्रीन पर आपको सिलेक्शन कर देना होगा। जैसे आप यहाँ पे स्क्रीन पर आप सिलेक्शन करेंगे आपका जो वीडियो है कुछ इससे ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। अब दोस्तों आपको फिर से आपको इसी वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाना होगा, जहाँ पर गाइस मैंने साइड के बॉर्डर का एक पीएनजी देके रखा है। आपको दोस्तों उस वाले पीएनजी को कुछ इसी तरह से फ्रेंड्स आपको यहाँ पर अभी सिलेक्शन कर लेना होगा। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरा पीएनजी है उसको मैंने सिलेक्शन कर लिया है। अब आपको इस वाले बॉक्स में क्लिक करके इस वाले ऑप्शन पर सिलेक्शन करके फुल स्क्रीन में कर देना होगा। और गाइस आपको क्या करना है, इसका ड्यूरेशन को वीडियो के एंड तक कुछ इस तरह से कर देना होगा। इस तरह से गाइस आपका स्टेप टू का जो काम है यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब अपना क्या कीजिएगा, अपना जो फाइल है उसको फ्रेंड्स आपको यहाँ पर एक बार आपको एक्सपोर्ट कर लेनी होगी। अब दोस्तों आपको अपने वीडियो में अर्थक्वेक इफेक्ट डालना होगा, तो उसके लिए फ्रेंड्स आपको क्या करना होगा, आपको मैंने इसी वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों फनीमेट एप्लीकेशन का लिंक देके रखा है। आपको दोस्तों उस वाले एप्लीकेशन को अभी आपको ओपन करना है। तो यार चलिए, अभी आप फनीमेट एप्लीकेशन का आप ओपन कीजिए, मैं जाकर वहाँ पर आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, ये रहा फनीमेट एप्लीकेशन। तो यार मैं क्या करता हूँ, इस वाले एप्लीकेशन को मैं यहाँ पर ओपन कर रहा हूँ।
जैसे दोस्तों आप यहाँ पर ओपन करेंगे, आपको पहले साइन अप करने का यहाँ पर परमिशन मांगेगा। तो मैंने यहाँ पर पहले ही साइन अप करके रखा है, इसलिए मैं डायरेक्ट यहाँ पर ओपन हो गया है। अब आपको जो प्लस का मार्क दिख रहा होगा, इस वाले प्लस मार्क में क्लिक करना होगा और यहाँ पे एडिट वीडियो के ऑप्शन पे क्लिक करके आपका जो वीडियो दोस्तों आपने अभी अभी आप एक्सपोर्ट किए है उस वाले वीडियो को दोस्तों आपको यहाँ पर अभी सिलेक्शन कर लेना होगा। फ्रेंड्स यहाँ पर देखते हैं जो मेरा वीडियो है उसको मैंने सिलेक्शन कर लिया है। अब आपको सिंपल से एडिट वीडियो के ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। अब दोस्तों जहाँ फ्रेंड्स आपका वीडियो में बेस मारना स्टार्ट हो रहा है कुछ इस तरह से गाइस, आप इस जगह को आप आइएगा, कुछ इस तरह सर्च करके आप आइएगा। आने के बाद दोस्तों आपको देख सकते हैं ये रहा इफेक्ट मिक्स का ऑप्शन, आपको इसमें क्लिक करना होगा। उसके बाद गाइस देख सकते हैं यहाँ पर आपको क्विक का एक ऑप्शन दिखेगा, देख सकते हैं आपको फ्रेंड सिंपल से क्या करना है, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करके रख लेना होगा। जैसे दोस्तों आप यहाँ पे क्लिक करके इसको रखिएगा तो किस तरह का वो जो इफेक्ट है आपके वीडियो में अप्लाई होता हुआ चला जाएगा। जैसे जो हमारा वीडियो इफेक्ट है यहाँ पर मेरे वीडियो में अप्लाई हो रहा है, तो गाइज इसको आपको लास्ट तक कुछ इस तरह कर देनी होगी। कर देने के बाद गाइज आपको क्या करना है, आपको देख सकते हैं शेयर का ऑप्शन है, इस वाले शेयर के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर गाइज सेव टू प्रोजेक्ट में क्लिक करना होगा। इसके बाद गाइज आपको यहाँ पे सेव टू गैलरी का ऑप्शन आएगा, इसमें क्लिक कर दीजिएगा, आपका जो वीडियो आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा।